पहले। मेरा नाम रेहाना है। कि 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पीछे मकान 2-3 थे जो बिल्कुल लकड़ियों के बने हुए थे, उससे चलते चलते ये यहाँ तक आ गई। 9-10 मकान यहाँ पे खाकसर हो गए हैं इस टाइम। जो भी घर में था सामान, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी से वाबस्ता है, तो उनका कम से कम 60-70 हज़ार का उसमें यूनिफॉर्म थी, वो जल गई। मेरा 1.5 लाख का सोना था, जो जिस बेड पे हम सोए थे उससे हम एक चीज़ भी नहीं निकाल पाए। बिस्तरा था, घर की मैटिंग थी, तामा था कम से कम 70-80 हज़ार का, जो मैंने यहाँ पे बाहर रखा हुआ है अभी, अब वो भी देख सकते हो, उसमें बिल्कुल एक चीज़ भी नहीं निकली, सब खाक जल हो गया। अब फिर बच्चों को हम बटीलने में लग गए, बच्चों को हम उठा रहे थे, बस यही रात के समय में पता भी नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, हमने जिस टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन किया, यहाँ से कितनी दूरी पे है फायर सर्विस पे, ना कोई फायर सर्विस का आया, फिर जहाँ पे भी यहाँ पानी का कोई सिस्टम है ही नहीं, आए जब तक पूरे मकान ख़त्म हो गए थे, फिर यहाँ पे फायर सर्विस का कोई आया जब पूरा ख़त्म हो गया था, तब रहे। एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि जब आप लोगों को अपना कोई काम होता है, आप लोग हर जगह पहुंचते हो, सवेरे के 2:30 बजे से 3 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई हमारी तरफ ना तवज्जो दे रहा है ना ध्यान दे रहा है। हम इंसान हैं, हम कोई डंगर नहीं है, हमारी तरफ भी आओ, ध्यान दो। हमें इस टाइम किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हम किस मुसीबत में इस टाइम जूझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके पावर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मर रहे हैं, भिलक रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे। INS. Extremely fearless journalism.